चेहरा किसका चेहरा? जमिया का सब अभी भी दिख रहा है आप? फुल एचडी। सो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको नॉर्मल वीडियो से 4K में कन्वर्ट करना सिखाएंगे ओनली 2 स्टेप में गाइज। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा गाइज हमें क्या करना होगा, VN ऐप को ओपन कर लेना होगा। ये ऐप आपको गाइज प्ले स्टोर पर मिल जाएगा फ्री में अवेलेबल। ठीक है गाइज, तो VN ऐप को ओपन कर लीजिएगा, कुछ स्टेप से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, यदि आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो प्लस पे क्लिक करके फिर से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइज उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस वीडियो को आप एडिट करने वाला है, बिल्कुल 4K क्वालिटी यानी कि आईफोन इफेक्ट के जैसा। ठीक है गाइज, तो हम 2 स्टेप में गाइज इस वीडियो को एडिट करना सिखाएंगे आज की इस वीडियो में। देख सकते हो गाइज हमारा वीडियो में क्वालिटी अच्छा नहीं है, मतलब गाइज कलर ग्रेडिंग नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, धुंधला दिख रहा है गाइज। इसको हम 2 स्टेप में अच्छे से आईफोन जैसा इफेक्ट लगाएंगे गाइज। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले फिल्टर पे जाना होगा। फर्स्ट स्टेप में गाइज आपको फिल्टर पे जाना होगा और यहाँ से गाइज फिल्टर को सिलेक्ट करना होगा। कोई सा भी फिल्टर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइज आपको ल्यून पे आना होगा। ल्यून पे आने के बाद गाइज यहाँ पे गाइज ल्यून का ऑप्शन दिख रहा होगा। ल्यून पे आने के बाद L4 को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ लगा देते हैं गाइज, टिक मारते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइज ल्यून 4 पे आकर गाइज L4 को सिलेक्ट करना होगा और इसकी ओपिटी को फुल कर देना होगा। देख सकते हो गाइज फुल करने पर आधा हमारा वीडियो का क्वालिटी सेट हो चुका है गाइज। इतना करने के बाद आपको एडजस्ट पे जाना होगा। 2 स्टेप यहाँ पे गाइज एडजस्ट पे आना होगा। एडजस्ट पे आने के बाद कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना होगा और यहाँ पे गाइज सैचुरेशन को फुल कर देना होगा। ठीक है, अपने वीडियो के हिसाब से सैचुरेशन को फुल कीजिएगा क्योंकि गाइज मेरा वीडियो में बहुत कम सैचुरेशन था, मैं इसको फुल कर देता हूँ। अब देख सकते हो गाइज वीडियो क्वालिटी किस तरह से बदलता जा रहा है। एंड यहाँ से गाइज टेम्परेचर को भी आपको 30 या 20 के आसपास बढ़ा देना होगा। ठीक है, एंड गाइज यहाँ से आपको अल्ट्रा 4K में कन्वर्ट करना है इस वीडियो को। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, शार्पन इफेक्ट को फुल कर देना होगा। तो मैं 20 या 40 के आसपास रखूँगा शार्पन इफेक्ट को क्योंकि गाइज थोड़ा सा क्वालिटी हमारा वीडियो में था पहले से, और इसको और क्वालिटी बनाने के लिए सिंपली आपको शार्पन इफेक्ट को ऐड करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पे HSL का ऑप्शन दिख रहा होगा। HSL पे क्लिक करने के बाद जो जो आपके बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है गाइस वो सब कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो गाइस, तो HSL पे आकर के गाइस इन सभी कलर का सैचुरेशन आपको बढ़ा देना होगा। इससे गाइस क्या होगा, देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा कलर ग्रेडिंग हो रहा है हमारा। तो हम ब्लू कलर का सैचुरेशन बढ़ा कर गाइस ह्यू को माइनस प्लस कर रहे हैं तो देख सकते हो गाइस किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। एंड जो जो बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है सिंपली आपको सैचुरेशन फुल करके ह्यू को माइनस प्लस कर लेके देख लीजिएगा। इससे क्या होगा गाइज, आपका वीडियो का कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देख सकते हो गाइज मैंने कलर ग्रेडिंग यहाँ पे अभी लाइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज यहाँ से आपको ऑरेंज कलर का सैचुरेशन हल्का सा माइनस करके लेंस को बढ़ा देना होगा और रेड कलर का सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा करके लेंस को बढ़ा देना होगा और येलो कलर का भी लेंस बढ़ा करके यहाँ से डन कर देना होगा। तो देख सकते हो गाइज हमने 2 स्टेप में गाइज आपको इस तरह से वीडियो बना दिया है। देख सकते हो गाइज, तो इसमें गाइज देख सकते हो शार्पन इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, मैं इसको कम करूँगा। देख सकते हो गाइज लाइनिंग टाइप से आ रहा है हमारे वीडियो में, तो इसको हम कम करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ से फिर से फिल्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर से वहीं पे एडजस्ट पे जाएंगे। ठीक है, फिल्टर पे क्लिक करके एडजस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे गाइस जो शार्पन हमने बढ़ाया था उसको हम कम कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अपने वीडियो के हिसाब से कीजिएगा, आप में कम क्वालिटी होगा तो आपको ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो मेरा में क्वालिटी है इसलिए मैं 20 के आसपास बढ़ाता हूँ। ठीक है, 20 या 18 के आसपास बढ़ाता हूँ। अब देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो का क्वालिटी बहुत ही अच्छे से आईफोन इफेक्ट जैसा एकदम 4K क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है गाइस वीडियो। तो कुछ इसी टाइप से एडिटिंग करना होगा आपको भी। और यहाँ से गाइज इस वीडियो को सेव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इसको फुल कर देंगे, इसको 30 के आसपास और इसको 25 के आसपास रखेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। सो हमारा वीडियो सेव होने लगेगा गैलरी में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।